हम आ गए स्कार्डो की दूसरा पॉइंट में। ये जगह का नाम है ब्लाइंड लेक, शंग्रीला रिजॉर्ट और इंदुस लेक की बीच में है। वाकई मुझे समझ नहीं आया ये लोग इनको क्यों ब्लाइंड लेक कह रहे। हमने इधर आने तक इतना रास्ता घुमा दिया, हमको लेक ही नज़र नहीं आया। बट मैं अभी आपको लेक दिखाती हूँ। दिस इज़ द लास्ट एपिसोड इन स्कार्डो। And if you want to watch previous episode, then click the link below. At this moment, I am very obsessed with the beauty of Skardu because I am exploring the stunning landscape and natural beauty. The region is home to some of the highest peak in the world, including K2, the second highest mountain in the world. एक्चुअली हमने इधर मेन एक इवेंट था उसको देखने के लिए आए। हमने काफ़ी लेट इधर से निकला, इधर ही का इवेंट हमने मिस कर दिया। इधर क्या इवेंट था, कौन सा इवेंट था? यहाँ पे जक का इवेंट था मैम, और ये लोग कश्ती वाला। हाँ कश्ती वाला, कश्ती रानी है जो जिसको बल्ती जबान में जक। वो ऐसी किससे बनती है? वो वाकई वो वुडन से बनती है? नहीं वो ट्यूब का होता है, वो टायर का ट्यूब जो नहीं होता है। हाँ। उसका होता है, उनका कश्ती है। कश्ती है उसका कोई रैली था जक का इवेंट। किसने फर्स्ट आया? मैं भी लेट पहुंच गया। आप भी लेट पहुंच गए? हम भी लेट पहुंच गया। मैंने काफ़ी कोशिश की आके देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। यार देखो मैं आपको बताऊँ, ये वो है रहमान, ये अगर नीचे गिरेंगे ना मैं वापस नहीं निकलूंगी इधर से। भाई आपकी बोट? भाई बोट आपके वो ही आपका? हेलो भाई ये आपका है? अभी ये बोट खराब है ना, सब जो दो बोट ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, कितने का है एक राउंड? 500। अच्छा ठीक है यार, हमने ये बोट लिया, इसकी एक चक्कर है 500। मुझे अभी इतनी डर लगता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए मैं बात नहीं कर सकती हूँ। यार ब्लाइंड लेक अच्छा था, लेकिन मैं पानी से बहुत डर लगती थी और मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई। मैंने सोचा इतना मुश्किल नहीं होगा, अगर आप पानी से डर नहीं लगते ना आप कर सकती हैं। ब्लाइंड लेक की ये रास्ता है ना आने की, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोग इधर आके ये एक्सपीरियंस कर सकती हैं, क्योंकि चार पहाड़ों के अंदर ये लेक बहुत मज़े का है। अभी आप लोगों को एक सीन दिखाऊंगी ना, पूरे ऐसे लग रहे हेलो मैं पूरी स्कर्डू इधर ही है, पूरी स्कर्डू इधर हो रही है। होलो मैच इधर से स्टार्ट करके इधर, इतनी रश सोच लो। अभी हम ये है होलो मैच, लेकिन रास्ते में हमको ये इधर होलो मैच है। इतना एंटरटेनिंग है, सोच नहीं, मैं भी जिंदगी में पहली दफ़ा देखती हूँ। एक ब्लू टीम है, एक रेड टीम है, लेकिन उससे ज़्यादा इधर इतना ज़्यादा रश लोग हैं ना, बहुत मजा आ रहा है, लाइक बहुत अच्छा। अभी हम आ गए सेरेना शिगर फोर्ट, इधर एक एंट्री का टिकट है 400 रुपये। ये फोर्ट है बाल्टिस्तान पाकिस्तान के शिगर की टाउन में है, और इस फोर्ट राजा की तरफ से 17th सेंचुरी में उन्होंने बनाया है।
एंड ये फोर्ट है आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान की तरफ से रेस्टोरेशन हो रही है, फिर बाद में ये फोर्ट म्यूजियम बनती है, उसके बाद 1994 से 2004 ने सेरेना होटल्स ने ये सारी फोर्ट उन्होंने रेस्टोरेशन किया, उसकी पूरी कॉस्ट भी $1.4 मिलियन था। इधर एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट चल रही है, ये सारी मेरे पीछे आप लोगों का नज़र आ रही है, ये सारी फूड कोर्ट है। अभी मैं सारी फूड कोर्ट देखना चाहती हूँ, ट्रेडिशनल खाना अगर मिलेगा उसको भी ट्राई करना चाहती हूँ। अभी फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा है, मैं एक जगह से नहीं ट्राई करना चाहती हूँ, अभी सारी जगह से थोड़ी थोड़ी ट्राई करके सारी फूड कोर्ट देख लेती हूँ। अभी कि मेन्यू में क्या है? मैम मेन्यू में मैम हमारे पास फलाफिल है, फ्रेंच हमारे पास शीश टाउक है। शीश टाउक तुर्की से? वो मैम लेबनीज है, बेसिकली हमारा ऑथेंटिक लेबनीज हमने ऑफर किया है यहाँ पे। ये कौन सा है? मैम ये लैम्प चॉप्स है। अभी इधर मैं पहले फलाफिल ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि तुर्की में अरेबिक रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है ना, मुझे रियल टेस्ट तो पता है। वाला हुमुस सॉस है ना, ये हुमुस सॉस को फलाफल को बहुत मज़ा कर रहे हैं, अदरवाइज फलाफल बहुत रहा है। कल्चरल डांस स्टार्ट होने वाली, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है, अभी इसको ले खा के कोई और स्टेप में जाती है। इससे ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने कौन सा मसाला यूज़ किया है, इतना सॉफ्ट है, इतना मज़ेक है। ऑल ओवर मुझे ये चाइनीज और ये लबनीज तुर्कीश खाना बहुत अच्छा लगा। हमने इधर खाना खाया, इनकी खाना भी बहुत अच्छा था। आई थिंक उसकी सीईओ ओनर था, उसने 2 साल से मेरी वीडियोस देख रही है। हमने बहुत कोशिश किया पैसा देने का, लेकिन उसने कहा हमारे मेहमान है, उसने पैसा नहीं लिया हमसे, इसके लिए मैं उसको दोबारा शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और दूसरा फूड कोर्ट में अभी जाके देख लेती हूँ। देसी फूड क्या है? नमकीन चाय है जो यहाँ का लोकल। नमकीन चाय पहले दफ़ा सुना। और भले है यहाँ का देसी जो है सूप टाइप, सूप टाइप देख सकती है, ट्राई कर लेती है। इधर ट्रेडिशनल सूप है बल्ले, अभी मैंने वही ट्राई करनी है। वापसी में भी आके वो नमकीन चाय में जरूर ट्राई करना चाहती हूँ। ये सिकाडू क्या स्पेशल यहाँ का लोकल फूड है? अच्छा, और एक अजोक है, जर्चू है, अजोक जो है नमकीन होता है, अच्छा दोनों मीठा नमकीन साथ साथ आ जाते हैं, चाय बनती है। लेकिन अभी मैं एक सूप ट्राई करना चाहती हूँ कि ट्रेडिशन, उसके बाद आगे जाके खाना खा के एंड में चाय पीने के लिए हम इधर वापस आएंगे। ये सूप है ना, अभी मैंने सूप देख के मेरी अम्मी मुझे याद आया, क्योंकि हम भी हमारे वाला कुर्दिश कल्चर है ना, हमारे भी ऐसे सूप है, लेकिन हमारी मिट्टी है, ये नमकीन है। अभी ट्राई कर लेती हैं, अंदर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं इसकी। बहुत हेल्दी है, मैं इसको आपको यकीन दे सकती हूँ, हेल्दी बहुत है। कोई भी पाकिस्तानी खाना से इसकी टेस्ट मिलती जुलती नहीं है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक इसके अंदर वो बादाम और ये लोबिया और इसके अंदर फिर थोड़ी सी चाट मसाला भी डाल दिया ना, बहुत मज़े का सूप है। आप मुझे कहेंगे चुकी किस तरह सूप है, कसम से पाकिस्तान में कभी भी मैंने इसे खाना नहीं खाया, मैं कोई खाना से मैच नहीं कर सकती हूँ, बट टेस्टी और हेल्दी बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ी और
बहुत अच्छा है। ये सिकरडू की ट्रेडिशनल फूड कोर्ट है। यस देसी। ये थोड़ी डिफरेंट है, आप मुझे इसकी बता सकती हैं ये क्या है एग्जैक्टली, इस खाना का नाम क्या है? ये समोसे की बेस है, उसके आटे से बनी हुई है बेसिकली वही है। अच्छा, अंदर क्या डालती है? इसके अंदर मैदा, मैदे से बनती है, मैदे को फ्राई करते हैं। नहीं नहीं, लाइक इसके अंदर क्या था? फिल क्या? इसके अंदर फिल हम चाट करते हैं, चाट। अच्छा, मुझे एक वो दे दे और मुझे एक पराठा दे दो। ओके, पहले चिकोला। वाह, ऐसा खा लेती है। अच्छा, इसका नाम क्या था भाई? चाट है। चाट है यार, आई थिंक ये नॉर्मल चाट है ऐसे। हाँ, ये तो चाट है। हम आगे नेक्स्ट स्टॉप में यार, ये कोरिया में होती है दमपुक, टर्किश में होती है मंथ। आपने किस खाना का नाम था? हसन हुसैन प्रॉब्लम। नहीं नहीं, खाना का नाम ये ममतू। सिकरडू में इसका नाम है ममतू, टर्किश में मंथ, सेम है, डिफरेंस नहीं है। अभी ऊपर इन्होंने थोड़ी सी स्पाइसी भी डाल दिया, खा लेते हैं। प्याज कीमा और उन्होंने दो के अंदर डाल दिया है, बहुत टेस्टी है। ऊपर मसाला सॉस है ना, और काला वाला नमक, बहुत मजे का कर। बंद बंद करो, बंद करो। चार और डालो। मैं पहले फेमस वाला वॉलनट ब्राउनी से स्टार्ट करना चाहती हूँ। इसकी ऊपर भी टॉफी वाला सॉस है, इधर ही का बक्की आटा से बन गया है ना, स्पेशल बक्की आटा से। एक्साइटेड हूँ, पहली दफा सिकरडू में एक ट्रेडिशनल मीठी खाऊंगी। सात से ही कहा था हमने, कहा सात को रेस्टोरेंट में जलील की थी, बट ही इज राइट, बहुत ऐसे लाइक वो हार्ड नहीं है, चीनी इतनी ज़्यादा नहीं है, शुगर आपका डिस्टर्ब नहीं करती है, बहुत सॉफ्ट है। और ऊपर वाला टॉफी सॉस है ना, उसकी चीनी को बहुत ज़्यादा वो किया है, कवर किया है। हम नेक्स्ट रोड ममदू ले लिया, होटल में जाके खाएंगे। अभी तो इधर हमारी फूड का कवर हो गया। काफ़ी सर्च करने के बाद हमको सिकरडू की एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट मिल गया। अभी हम सब मिलके उस रेस्टोरेंट में जा रही है, सिकरडू की ट्रेडिशनल खाना खाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक गोश्त सूप है इनका ट्रेडिशन, मैं वही ट्राई करना चाहती हूँ। अभी हम होटल से निकल के वो रेस्टोरेंट के लिए जा रही है। हमने ये गली से चार दफ़ा क्रॉस किया ना, चार दफ़ा ये बहस ही दे रही थी, आई डोंट नो इसके ओनर कौन है, अगर नहीं मिलेगा मैं खुद मेरे साथ लाहौर में रह के आऊँगी। इधर हमारे रेस्टोरेंट है शाही दीवान रेस्टोरेंट, इधर सिकरडू की ट्रेडिशनल खाना बनती है। अभी हम जाके सिकरडू की ट्रेडिशनल खाना ट्राई कर लेंगे। दस नंबर रेस्टोरेंट है, मैं ये रेस्टोरेंट ना लाहौर ना इस्लामाबाद में भी नहीं देखा। इनकी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी डिफरेंट है। ऐसे इसके अंदर ऐसे कमरा है, अगर आप नीचे बैठना चाहती हैं नीचे बैठती हैं, फिर कमरे बंद हो जाती हैं। अगर आप खाना खाती ऐसे टेबल वाला आपको जगह भी मिलती है। काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, एक इस साइड में एक इस साइड में। अभी खाना भी ट्राई कर लेती है, अगर खाना भी अच्छा है तो नंबर वन। एक्चुअली इधर खाना का ऑर्डर ना पहले देना पड़ेगा क्योंकि हमने भी प्री ऑर्डर दे दिए, हमने लग एक घंटा हो गया खाना का ऑर्डर दे दिया, अभी भी नहीं आ रही है, इसलिए प्री ऑर्डर देखे खाना बनती है। बट मैं अगर खाना ट्राई कर लूँगी, अगर खाना भी अच्छा लगेगा ना, हाईली रिकमेंडेड प्लेस इन सिकरडू खाना खाने के लिए। अच्छा, हमारी पहले आ गया मथन सूप। ये मथन सूप है, इसके अंदर पास्ता भी है,
मुझे तो गोश्त बहुत पसंद है, अभी मैं चेक करके आप लोगों को बताती हूँ सूप कैसा है। अभी वो सब्जी वाला चौमेन है ना, एग्जैक्टली लाइक स्मेल तो उसकी जैसी है, लाइक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है गोश्त पक गया या नहीं पक गया, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ये पास्ता है बड़ा बड़ा, आई थिंक ये हैंडमेड पास्ता है, गोश्त है और इनकी स्पेशल सॉस, ज़्यादातर ये ऐसे बड़ा बड़ा ग्रीन चिली नज़र आता है। क्या क्या स्टार्ट कर अंदर गोश्त बहुत अच्छा पक गई है। ये हमारी वो चिकन कॉर्न सूप होती है ना, इसकी पानी एग्जैक्टली वो चिकन कॉर्न सूप की जैसी है। अंदर बस दो डिफरेंस है, एक पास्ता उन्होंने डाल दिया है और एक गोश्त है। गोश्त का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आई थिंक ये पास्ता हैंडमेड पास्ता है क्योंकि इसकी टेस्ट है ना, नॉर्मल वो चौमिन की अंदर पास्ता होती है ना उससे भी बहुत डिफरेंट है, बहुत फ्रेश है। क्या है चिकन वॉलनट सॉस, इसमें 1.5 घंटे लगे, वो बहुत सही है वाला। 1 घंटा कौन सा है? 2 घंटे लगे, 1 घंटा। ये पप्पू है ना, पप्पू ये एग्जैक्टली क्या है, इसके अंदर क्या है? ये जो है ना मैम, ये डो है हमारे एक देसी आटा होता है, उससे बनाते पका के फिर ये जो शेप दिया हुआ है, ये शेप देते हैं उसके ऊपर ये वॉलनट पेस्ट डलता है। मत ये हमारी टर्किश मानती है, ठीक है? हाँ टर्किश मानती है, ओबियसली हम सॉस ऐसे नहीं बनाती है, हमारी डिफरेंट है। इसके ऊपर वो चीज़ वाला सॉस है, ये वॉलनट सॉस है, वॉलनट सॉस है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा करना, मैं इधर ही ट्राई कर लेती हूँ। ये फिश है, मेरी फिश से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये टर्किश में हम कहते हैं मंथ, चाइनीज़ में वो लोग कहते हैं मंदू। अभी ट्राई कर लेते हैं। इन्होंने इसके ऊपर एलमंड सॉस बनाया है और ये इसके अंदर है आथा, उन्होंने आथा से एक शेप बना दिया है और अंदर इसके अंदर फील नहीं है, इसके अंदर खाली है, ये खाली। हाँ फिर ये मंथ नहीं है, हमारे के अंदर कीमा होती है। बिस्मिल्लाह क्या क्या स्टार्ट कर लेंगे, ये भी इतना वेट करने की जरूरत भी नहीं थी। ये इन्होंने दो बनाया है, ठीक है, इनकी स्पेशल आथा से शेकल देखिए, कोई शेकल बना के इनको बॉईल करके ऊपर एक एलमंड सॉस है और उसके ऊपर भी गार्लिक सॉस है। इतनी ख़ास गेम नहीं है, ये चिकन है, सॉस भी सेम एग्जैक्ट इसकी जैसे है, मुझे इससे थोड़ी सी और उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन चिकन अच्छा पक गया है। ये चिकन है ना बहुत मजे का। अभी मैं ट्राई करूँगी फिश, एक्चुअली मैं फिश बिल्कुल पसंद नहीं करती, बट आप लोग के लिए ट्राई करूँगी। फिश नॉर्मली मुझे पसंद है, जब हम बचपन में था हमने फिश खाया था, वो फिश की हड्डी ना मेरी इधर फंस गया था, उसी टाइम से मेरी ट्रॉमा चलती है कि मैं फिश नहीं खा सकती, बट आई थिंक इसकी हड्डी नहीं है मुझे ऐसा लग रही है, नहीं नहीं इसकी हड्डी है। ग्रिल्ड है लेकिन सॉस बहुत लाइट है, अगर आप लोग लाइट और खाना खाना चाहते हैं इसकी ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें फिश की स्मेल नहीं आता है, लेकिन ये भी मज़ा क्या। इसके लिए स्पेशल एप्रिकॉट सॉस है, सॉस बहुत लेवल का है। लेकिन अगर मैं मेरी नंबर वन देना चाहती हूँ ना, मेरी नंबर वन है ये चिकन विद एलमंड सॉस, बहुत मज़ा का है।
गाइस हमारी बिल आ गया 10,650। आधा घंटे हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, हमने क्या खाया कि इतना खाना इतना बिल आया। वही पहले डिश था ना आटा से बनता था, हमने आटा को 3,000 दे दिया। अभी आटा को हमने 3,000 दे दिया नॉर्मल आटा को। वही तो इसकी एक केजी 50 का है। मैं खुद आप लोगों के लिए घर में बना सकती थी। मैं ऑल ओवर रेस्टोरेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। ज़्यादातर ऑल ओवर रेस्टोरेंट में तो लोकल पीपल नहीं आती थी क्योंकि एक साल का रेस्टोरेंट था। और अगर इधर ही आप लोग टूरिस्ट आती है ना, ज़्यादातर वही लोग इधर खाना खाती थी। अगर आनी है ना वो पहले वो आथा वाला खाना ऑर्डर ना कर दे, मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ। इससे अच्छा हमारे लिए थोड़ी सी नाइट था इसलिए बंद हुई थी। इससे अच्छा और ज़्यादा पुराना और ज़्यादा लोकल रेस्टोरेंट में जाके उनकी खाना खाना आई थिंक और बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और फैंसी खाना चाहती है और प्राइवेसी खाना चाहती है, इस रेस्टोरेंट में आ सकती है।